बेखौफ अंदाज बेबाक जबान नमस्कार, मैं हूं मोहसिन खान और आप देख रहे हैं सिटी हलचल यानी खबर जरा हटकर। खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सरवरपुर गांव के प्रधान पति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार, भारी पुलिस बल मौके पर। कंपनी गार्डन के पास होमगार्ड का शव मिलने से सनसनी, चार आरोपी हिरासत में। पोल हटाने गई नगर निगम की टीम के सामने खुली नगर निगम के बाबुओं की पोल, दिशा सूचक के नाम पर हो रहा है करोड़ों का घपला। कैमरे पर बोलने से बचे टीम लीडर नरेश शिवालिया। मंडलायुक्त ने की मंडलीय काय विकास कार्यों की समीक्षा, समय और गुणवत्ता परक तरीके से काम पूरा करने के दिए निर्देश। गर्मी के चलते मवाना सीएससी में बड़ी मरीजों की संख्या, हर रोज 500 से 700 मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल। बड़ पूजनीय अमावस्या और शनि जयंती पर शहर में जगह जगह लगाए गए भंडारे, विशेष पूजा अर्चना में उमड़ा आस्था का सैलाब। और शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मेरठ बार एसोसिएशन चुनाव का मतदान, उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतपेटियों में कैद। सरूरपुर के मौजूदा ग्राम प्रधान कविता के पति परमेंद्र की गुरुवार दोपहर बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या को अंजाम उस वक्त दिया गया जब परमेंद्र पड़ोसी सतीश प्रजापति के घर किसी काम से गए हुए थे। इसी दौरान दो बाइक पर सवार होकर आए आधा दर्जन हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। हमलावरों ने, दो हमलावर महिलाओं के भेष में थे। हत्या के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे एसपी देहात राजेश कुमार ने गुस्साए परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में परमेंद्र के परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले में कई बिंदुओं पर जाँच कर रही है और इस हत्याकांड को पूरी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। गांव में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हमारे भैया इधर थोड़ा सा पास में ही मकान है कुमारों का, वहाँ पे बैठे हुए थे और चार पांच लोग आए बाइक पे, जिसमें कि दो सूट सलवार पहने हुए थे और हमला करके और हमारे भैया को मार के चले गए। पूरे गांव ने देखे सर वो जी। हमारी पुरानी जो हमारे भैया थे 2013 में हमारे भैया मार दिए गए थे, जो पूर्व पहले प्रधान थे, और उसके उसी के मद्देनजर ये दूसरे उन लोगों ने ही घटना की है सर। एक ग्राम सरूरपुर में एक प्रधान पति हैं प्रवेंद्र नाम के, उनकी हत्या आज की गई है और बताया गया, घर वालों ने बताया कि वो घर पे ही थे, उनको किसी ने बुलाया तो घर के बगल में एक घेर था, वहाँ गए और वहाँ पे कुछ लोग आए और उनको गोली मार दिए, जैसे मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई। गांव वाले और घर वाले कुछ पुरानी रंजिश इनकी बता रहे हैं, और इनके भाई का भी पहले एक मर्डर हुआ था 2012 में, उसको लेकर रंजिश होना बता रहे हैं। ये तहरीर लिख रहे हैं और FIR करके जो भी इसमें मुलजिम है उसकी कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कंकरखेड़ा पुलिस ने मंगलवार रात खिरवा रोड पर हुई MCA के छात्र सोनू सिरोही की हत्या का खुलासा कर दिया है। सोनू का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त भूरा और अरुण निकला, जिन्होंने शराब पीने के बाद पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में भूरे को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी अरुण अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। कंकरखेड़ा पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में शामिल अरुण को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस गिरफ्त में आने के बाद हत्यारोपी भूरा अपने आप को बेकसूर बता रहा है। उसका कहना है कि सोनू की हत्या अरुण ने गोली मारकर की है।
देलीगढ़ थाने में तैनात एक होमगार्ड का शव गुरुवार तड़के कंपनी गार्डन के बाहर मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने होमगार्ड नरेंद्र चौहान के साथ किराए पर रहने वाले युवकों पर लेन देन के विवाद में नरेंद्र की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने लाश को फेंकने में इस्तेमाल की गई सेंट्रो कार और शव के पास से मिली बाइक को भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि मूल रूप से सरधना क्षेत्र के हर्रा खिवाई गांव के रहने वाले नरेंद्र चौहान होमगार्ड में तैनात थे और वर्तमान में उनकी ड्यूटी देलीगेट थाने में थी। वो देलीगेट थाने के पास ही किराए पर कमरा लेकर रहते थे। उनके साथ कमरे में पुराने टायर का काम करने वाले सोनू, इमरान, राय साहब और अनिल भी रहते थे। गुरुवार की सुबह नरेंद्र कश्यप सदर थाना क्षेत्र में कंपनी गार्डन के बाहर सड़क पर बरामद हुआ। उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। मौके पर पहुंची फैंटम पर तैनात एक सिपाही ने शव की शिनाख्त करते हुए नरेंद्र के परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। इसी बीच पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शव के पास से बरामद हुई बाइक को थाने पहुंचा दिया। बदहवास हालत में परिजन सदर थाने पहुंचे और नरेंद्र के साथ रहने वाले चारों युवकों पर उनकी हत्या करने का आरोप लगाया। हमारे पास फोन गया, हम वहाँ पहुँचे तो डेड बॉडी हमें सड़क के पास पड़ी पड़ी, कुर्ता फटा हुआ था, बलियान फटा हुआ था। हमने तो इस केदार में छह लोगों के नाम दिए। ये थाना सदर बाजार थाना क्षेत्र का मामला है। सुबह एक 45 साल के करीब उम्र है, एक होमगार्ड की बॉडी मिली है। उससे घर वालों को बुलाया गया है, पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई की जा रही है। उसमें कुछ अभी तक जो चीज़ें पता चला है उसमें कुछ लोग उनके साथ में थे जिनके साथ में ड्रिंक्स वगैरह किए हैं। ये अपने परिवार के साथ में नहीं रह रहे, किसी और के साथ रह रहे थे। किसी को पता चला है कोई गलत चाल चलन की औरत थी। हम लोग उसमें आगे कार्रवाई करके और उसको शीघ्र वर्कआउट करेंगे। जिन लोगों ने इसकी हत्या करी है या जो भी प्रकरण है, अभी तक बाहरा कोई चोट नहीं है उसके शरीर पर, उसी तरह से हम लोग कार्रवाई इसमें करेंगे।